यू वैन वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज का जो वीडियो है वन ब्रांड मेकअप के ऊपर है एंड मैं आज यूज़ करूँगी ब्लू हेवन का प्रोडक्ट्स तो so, सबसे पहले मैंने ब्लू हेवन का ये रोज़ वाटर यूज़ किया है और इसका रिव्यू तो मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियोस में दे रखा है इसे अच्छे से लगाने के बाद ड्राई होने के लिए देंगे एंड यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र जेल यूज़ किया है बिकॉज़ अभी समर्स आ चुके हैं एंड गैज़ आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ये मुझे मोटिवेट करता है आगे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए एंड यहाँ पर मैंने ब्लू हेवन का ये फाउंडेशन यूज़ किया है एंड सीरियसली ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है ये बहुत लाइट वेट है एंड कवरेज इसकी बहुत अच्छी है ये बिल्कुल मेरे स्किन टोन से मैच करता है एंड ये लॉन्ग स्टे भी करता है एट दिस प्राइस एंड इसका भी मैंने जो रिव्यू है शेयर ऑलरेडी कर रखा है तो आपको अगर देखना होगा तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके वो वीडियो देख सकते हैं एंड इस तरीके से मैं ब्लेंडर की मदद मतलब से अच्छे से ब्लेंड करूँगी फेस पे तो आप देख सकते हो बिल्कुल ही मेरी स्किन टोन से मैच कर रहा था एंड ये मैंने वेट ब्लेंडर से ही मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट लगाया है इससे क्या होता है कि ये बिल्कुल सेट हो जाता है एंड ये लाइक like, ऑयली नहीं होता है बिकॉज हमारा जो ब्लेंडर है ऑलरेडी वेट है तो ये मैंने आ, बिल्कुल लंच के टाइम में यू लुक क्रिएट किया था एंड रात तक ये मेरा मेकअप स्टे करा था तो यहाँ मैं ब्लू हेवन का ये चोको कलर का ये लिपस्टिक लूँगी और इसी से ही मैंने आई शेडो क्रिएट किया है एंड ये ब्राउन कलर का है तो बहुत ही बेसिक कलर है ये आप एवरीडे यूज़ में ले सकते हैं या फिर आप ऑफिस के लिए मीटिंग्स के लिए किसी भी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल जो भी कलर्स मैंने यूज़ किए हैं बहुत बेसिक से हैं एंड बहुत ही अफोर्डेबल रेंज पे हैं इस तरीके से मैं दोनों आईलिट के ऊपर लगा लूँगी अच्छे से यहाँ मैंने ब्लू एवन का ये काजल पेंसिल यूज़ किया है और ये बिल्कुल हंड्रेड के अंडर है और इसका जो टेक्स्चर है बहुत अच्छा है और जैसे कि मैं वो बोलूँगी कि इससे आप लैकमे का जो पेंसिल आता है आई पेंसिल बिल्कुल उसी की तरह है और एवरीडे यूज़ के लिए तो ये बेस्ट है और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मेरे पास लाइक आई पेंसिल है बट मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली ये वाला यूज़ करना चाहती हूँ क्योंकि मैं ये रोज़ वेयर करना पसंद करती हूँ इसके बाद मैंने ये मस्करा यूज़ किया ब्लू हेवन का ही ये भी बहुत लाइट वेट है एवरीडे में आप यूज़ कर सकते हैं स्टिकीनेस uh, तो बिल्कुल भी नहीं है एंड इवन कॉलेज गोइंग पीपल ऑफिस गोइंग तो ये डेली वेयर कर सकते हैं और ये भी अंडर हंड्रेड रुपीज़ का ही मस्करा है एंड इस तरीके से मैंने अच्छे से कोट कर लिया है तो ये बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं है तो ये मैंने आराम से नाइट में भी वेयर करके रखा था बिल्कुल मेरे आइज़ को ये कोई भी लाइक जलन टाइप का नहीं होता है जो कुछ ब्रांड्स के हो जाते हैं वैसे तो बस फिर मैं लोअर आई में भी इसे लगा लूँगी बिल्कुल बहुत ही अच्छा लुक आया था ये लाइक मुझे बहुत पसंद आया था ये जब लुक क्रिएट हो चुका था फिर मैंने सेम जो आई के लिए यूज़ किया था सेम कलर मैं यूज़ करूँगी लिप्स के लिए एंड ऑल्सो थोड़ा सा चिक्स को हाईलाइट करने के लिए तो थोड़ा सा ब्राउन टोन आएगा तो अच्छा लगेगा पिंक तो हमेशा ही यूज़ करते हैं तो इसलिए फिर ब्लेंडर के मदद से मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एंड ये ब्लेंडर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है बहुत अच्छे से इसने मेरे फाउंडेशन को जो है स्मच किया था अच्छे से फिर यहाँ पे मैंने लिपस्टिक टिंट यूज़ किया है पिंक शेड में और इसे ही मैं ऊपर में लगा लूँगी और ये जो टिंट है ये बहुत अच्छा टिंट देता है एंड इसका भी रिव्यू मैंने शेयर कर चुका चुकी हूँ अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा